होंगगुआंग मिनी ईवी बोलिंग लगभग 4 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ बोलिंग होंगगुआंग मिनी ईवी 2021 में चीन में सबसे अधिक बिकने वाला यात्री इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल था। बाओजुनी 300 की रेंज क्या है? विकिपीडिया बाओजुनी 300 190 मील। यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा 62 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है और डीसी रैपिड चार्जिंग की बदौलत इसे 1 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। 31.9 के WH 115 MJ की बैटरी टॉप फदलाइन E300 प्लस को पावर देती है, जिसकी NEDC रेंज 305 किलोमीटर 190 मील है। बाओजुनी 100 को E200 से क्या अलग करता है? GM अथॉरिटी में बाओजुनी 200 के लिए सूचना, विशिष्टताएं, पावर, रेंज और विकी। E100 की तुलना में बाओजुन E200 में 200 से अधिक बदलाव हैं, जैसे लंबी रेंज, एक नया बाहरी और आंतरिक डिजाइन और संवर्धन जो एक शांत केबिन की ओर ले जाते हैं। इलेक्ट्रिक कारें हर दिन अधिक से अधिक लोकप्रिय होती जा रही हैं। यह मुख्य रूप से विकासशील प्रौद्योगिकियों द्वारा लाई गई घटती लागत के कारण है। बाजार में टेस्ला जैसी कंपनियों के केवल उच्चस्तरीय वाहन हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों उचित मूल्य वाली संभावनाओं की विविधता बढ़ती जा रही है। सूची में सबसे हालिया जुड़ाव एक और सस्ता ईवी वाहन है। चीनी वाहन निर्माता बोलिंग ने एक छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी बाओजुन यूए के आगमन की घोषणा की है। ये हैं खास बातें। इस कार में पीछे की तरफ 300x256 मिनी स्ट्रिप डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले का कुल माप 1050 मिमी लंबा और 260 मिमी चौड़ा है, जो उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन सामग्री को अनुकूलित करने के लिए अपने स्वयं के टेक्स्ट, फोटो और फिल्मों को जोड़ने की सुविधा देता है। बाओजुन यूए की 28.1 के WH बैटरी की रेंज 303 किलोमीटर है।